तो देखे बोले मम्मा जल्दी आओ, सायरा सत्ता ने लाइव आए हैं। बोले हाँ, और इस समय मैंने हमें थोड़ी आवाज यहाँ पे दिखाती हूँ। और देखो झूठ इतना ज्यादा दिन नहीं दिखता। हेलो एवरीवन, सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और आज हम ज़्यादा ही जल्दी उठ गए क्योंकि नुमेर की स्कूल चालू हो गई है और आज है फर्स्ट डे। तो मैंने यहाँ पे दूध रख दिया है गर्म करने, अपनी चाय भी रख दिया मैं सुबह में उठ के। फैयाज़ अभी सो रहे हैं, फैयाज़ को नहीं उठाया मैंने, और मेरी चाय बन रही है और नुमेर को भी उठा दिया। नुमेर फ्रेश होने गया है। यहाँ देखिए दूध ऑलमोस्ट गर्म हो गया है, अब चाय बन रही है। यहाँ अनुमेर हो फ्रेश होके आ गया है मस्त में अपने, और मोज़ा पहन के तैयार हो रहा है। उसने नाश्ता कर लिया, मैं ये सब बुक्स उसने निकाल के दिया टाइम टेबल करके, मम्मा बुक रख दो बैग में। तो अनुमेर पहन रहा है अपने सॉक्स और शूज, और मैं अभी उसका बैग पैक कर दूँगी। और आज अनुमेर फर्स्ट डे जा रहा है स्कूल के लिए। तो हो गया बच्चे लोग को 2 साल, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया स्कूल बंद हो गया। आज कितने दिन के कितने 1.5 साल के बाद में आज स्कूल जा रहा है बच्चा मेरा। तो ज़्यादा एक्साइटेड था और हम लोग भी अभी जल्दी उठना छोड़ दिए, मतलब हम लोग उठते हैं, मैं 7:30 बजे उठती हूँ क्योंकि 8 बजे की नुमेर की ऑनलाइन रहती है। तो अब अभी जल्दी उठना पड़ रहा है 6 बजे, क्योंकि अब 7 बजे की स्कूल है तो 6 बजे उठेंगे तो 1 घंटे में वो तैयार होके 7 बजे निकल जाएगा घर से। तो ऑलमोस्ट वो तैयार हो गया बच्चा मेरा, नाड़ी बांध रहा है वो, उसको नाड़ी बांधने नहीं आती। मैंने उसको बोला ला मैं बांध दूँ, तो बोला नहीं मैं ट्राई करता हूँ। उसको हमेशा नाड़ी, उसकी जूते की जो उसकी नाड़ी होती है ना, उसको मैं हमेशा बांधती हूँ। तो बांधा उसने, अब ये रेडी है मेरा बेटा, मेरा क्यूटी पाई, मेरा शर्मिला बेटा। कितनी शर्म आ रही, देखो ना उसको, उसको कैमरे पे दिखाऊंगी तो उसको शर्म आती है। तो ये तैयार हो गया मेरा सोनू, अब ये जाएगा, अकेला जाएगा, हाई स्कूल बाजू में ही है, दूर नहीं है, चला जाएगा। तो फैयाज़ अभी सो रहे, मैंने सोचा कि नहीं अभी फैयाज़ को नहीं उठाती हूँ, उनको डायरेक्ट मैं 8 बजे उठाऊँगी। तो अभी नुमेर मेरा निकला स्कूल के लिए। तो ये है मेरा नुमेर का ड्रेस जो हम लोग लाए थे, और अभी नुमेर रेडी है। चलिए चल, अल्लाह हाफिज़ बोल रहा है मेरे को, चल मेरा बच्चा, और बैग वैग रेडी है सब है। मैं उसको ही बोल रही हूँ कि संभाल के जा, मस्ती नहीं करना, काफ़ी टाइम के बाद जा रहा है। तो नुमेर निकल गया स्कूल हमारे, चलो आ रही है आपके फैयाज़ भाई को, फिर मैंने उठा दिया था 9 बजे। और आपके फैयाज़ भाई उठ के फटाफट फटाफट अपने कपड़े वपड़े जो भी थे धो दिए उन्होंने मशीन में डाल के, और अब वो पूरे कपड़े लगा रहे थे और मैंने उनको थोड़ा लेट ही उठाया था। तो आ गया मेरा नुमेर स्कूल से। तो कैसा रहा नुमेर पहला दिन? मास्क निकालो, अच्छा। मास्क निकालो। हाँ? मास्क निकाल बेटा। क्या किया बच्चा आज? क्या करा? हाँ सैनिटाइजर कर रहा है घर में आके, वहाँ किया क्या? नहीं हाँ किया, हाँ? एक ब्रेड में हर एक बार। पापा का सैनिटाइजर है, नुमेर को भी एक नया सैनिटाइजर दिला देती हूँ। अभी कल जल रही गाइस, माई जल रही है मेरे से। माई क्यों जलेगी, देख दोनों का चालू हो गया। हो गया, नुमेर कपड़ा पहले उतार बेटा, कपड़ा निकाल, स्त्री खराब होती है, स्त्री खराब का छोड़ो, दाग लगेगा कल से। तो यहाँ देखिए आपके फैयाज़ में मुझे क्या लाके दिए, भैया आए थे तो उन्होंने लाके दिए मुझे कविट। ये है कविट, ये हो सकता है बहुत लोगों को पता भी हो, बहुत लोगों को नहीं भी पता हो। ये खट्टा खट्टा रहता है एकदम, और ये ऐसा देखिए ये इतना इसके अंदर आता है, इसको तोड़ के इन्होंने ही मेरे को दिए कि ये निकाल के रख लो और फ्रिज में रख देना। तो यही मेरे को दे के ला के मेरे को दिए और गाड़ी पे चले गए। और यहाँ पे देखिए मैं इसको अच्छे से मैंने निकाली, इसकी ये 3 कविटे कम से कम, 20 के 3 आए थे, तो 20 रुपये के 3 आए थे, तो इन्होंने मुझे दिए, मैंने निकाल के अब इसके अंदर शक्कर डाल के अच्छे से इसको बहुत अच्छे से मैश करने का, शक्कर डाल के। तो ये ना इस खट्टा मीठा बहुत अच्छा लगता है। आपके फैयाज़ भाई आजकल पता नहीं क्या खट्टा मीठा बहुत खा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग ने भी कमेंट किया कि आपके फैयाज़ भाई क्यों खट्टा खट्टा खा रहे, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आपके फैयाज़ भाई क्यों खट्टा खा रहे। तो ये देखिए, और यहाँ पे देखिए हमारी माही के क्या काम चालू है, और यहाँ हमारी माही के काम चालू है, कपड़े खड़ी कर रही है। मैंने माही को निला के बाहर छोड़ दिया कि चलो ठीक है, उसको पहले निला दिया, फिर मैं नहाने के लिए चले गई थी अंदर, और नुमेर ने उसको कपड़े निकाल के गद्दे पे रख दिया था ताकि मैं खड़ी कर लूँगी, और नुमेर ट्यूशन चला गया था। तो नुमेर ट्यूशन चला गया, फैयाज़ चला गया गाड़ी पे, नुमेर ने कपड़े नीचे रख दिया, तो माही हमारी अकेली थी, मेरी बच्ची ने बैठी और पूरे कपड़े खड़ी करी। मैं उसको मेरे को पूछ भी रही थी बाथरूम में से कि मम्मा कपड़े खड़ी करूँ, मैंने बोली नहीं दे बेटा मैं आके कर लूँगी।
बट मेरी बच्ची ने जब मैं बाहर आई तो देखी तो पूरे कपड़े खड़ी करके रखी है, और सब मैंने उठा उठा के देखी तो एकदम घड़ी एकदम परफेक्ट की थी उसने, देखो ना ऐसा एकदम मस्त ऐसा लग रहा है कि ना कोई बड़े नहीं किया होगा, परफेक्ट गोल गोल करके, उसको पता मैं गोल गोल कपड़े खड़ी करती हूँ तो एकदम वैसी करके रखी थी। हाय कर रही है आपको। तो चले आज हम शेयर करेंगे आपके साथ में एक रेसिपी मेरी स्टाइल में, कच्चे गोश्त का कोरमा बनाएंगे हम आज, तो ये हम शेयर करेंगे। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते क्या क्या डालेंगे उसमें। तो मैंने ले लिया यहाँ पे कांदा हमारे 5 और कटिंग करके रख लिया है, और 3 मैंने लिया है टमाटर, और यहाँ पे हमने लिए है हरी मिर्च और कोथमीर, हरी मिर्च मैंने ले लिया है 5, और उसके साथ ही मैंने यहाँ कुछ गर्म मसाले थोड़े थोड़े ले लिया, जैसे दालचीनी थोड़ी, लौंग थोड़ा, शाहजीरा, जीरा, एक इलायची, बड़ी इलायची, थोड़ा थोड़ा सब ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 अक्खा चम्मच। तो ये हमारा गोश्त जो मैंने धो के रख दिया, अब इसके अंदर मैं सारे मसाले डाल दूँगी ऐसी कच्चे में। देखिए मैंने पहले डाल दिया कांदा हमारे जो कटिंग करके रखे थे, और उसके अंदर डालूँगी मैं हमारे टमाटर, और उसके बाद में जो गर्म मसाला है ये सारे डाल दूँगी, और उसके बाद में हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने ले लिया था 2 अक्खा चम्मच। तो ये सब मैं कच्चा कच्चे में डाल दे रही हूँ अभी इसमें, और उसके बाद में देखिए क्या डालती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है जो कोथमीर और हरी मिर्च जो मैंने धोया वहाँ पे, और धो के मैंने डाल दिया, ठीक है। यहाँ आराम से मैं सुकून से बैठ के पहले कुकर में कर लूँगी सब, उसके बाद में इसको चढ़ा दूँगी गैस पे। तो यहाँ पे हल्दी लिया मैंने 1/2 चम्मच, और साथ ही में मैंने ले लिया है 1/2 चम्मच तीखी लाल मिर्च, ठीक है, और उसी के साथ में मैंने ले लिया यहाँ पे, यहाँ देखिए 1/2 अक्खा धनिया 1 चम्मच, बस ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा डालूँगी, और उसके साथ में मैंने डाल दिया नमक हमारा। तो अब इसको हम इसके अंदर नमक डालने के बाद में मैं उसके ऊपर डाल दूँगी आखिरी जो है हमारा तेल। तो मैंने 2 चम्मच मैंने तेल डाल दिया था इसके अंदर, और उसको मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। और अभी यहाँ पर मैंने ले लिया एक खोपरे का टुकड़ा, 5 रुपये का खोपरे का टुकड़ा आया था मेरा, ये कांदा ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने ले लिया है इलायची, दालचीनी और थोड़ा लौंग, और ये है हमारा सौंफ, और ये है सूखी लाल मिर्च जो मैंने ले लिया है 3, और वहाँ पे है ज़ीरा, और ये है थोड़ा खसखस, और गरम मसाले में मैंने सिर्फ ये खसखस है, दालचीनी, इलायची और लौंग, बस ज़्यादा नहीं लिया मैंने कुछ भी। अब इस ये जो चीज़ लिया ना मैंने, इसको हम क्या करेंगे पता है, इसको मैं करने वाली हूँ, भुनने वाली हूँ उसको मैं तवे पे डाल के। तो वो जो था इंग्रेडिएंट अलग था, ये अलग है। तो ये मैंने तेल डाल दिया थोड़ा से, और उसके अंदर पहले मैंने सबसे पहले कांदा डाला, उसके बाद मैंने खोपरा डाला थोड़ा से। तो ये खोपरे का टुकड़ा जो थोड़ा छोटा सा टुकड़ा आया था 5 रुपये का, बस उतना काफ़ी है, ज़्यादा नहीं डालूँगी खोपरा। ये देखिए मैंने अच्छे से लाल कर दिया तेल के अंदर ही, और ये मैंने इसको निकाल लिया अलग से। अब उसके साथ ही मैं बाद में डालने वाली हूँ ये जो हमारे सूखे बाद में जो थे ना सूखे सूखे मसाले, जैसे सौंफ, गरम मसाला, ये सब था ना, इसको भी मैं अभी अच्छे से भून लूँगी। इसको तो मैंने तेल नहीं डाला, बिना तेल में मैं इसको भूनने वाली, जो हल्का हल्का तेल बचा हुआ था ना उसी में भून लूँगी, जो तेल बचा हुआ था। तो ये भी अच्छे से भून लूँगी, उनको तो रेड करके निकाल दिया, देखिए ये भी भुने गए हैं अच्छे से, लाल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और कुकर देखिए बाजू में हमारा चढ़ा हुआ है जिसमें मेरा गोश्त गल रहा है, और ये देखिए अभी अच्छे से भूनूंगी, माशाल्लाह खुशबू अच्छी आने लगी, जब भूनने शुरू करते हैं ना तो खुशबू अच्छी आने लगती है, तो पता चल जाता है कि भुने गया। तो ये देखिए अभी इसको मैं डालूँगी हमारे मिक्सर में, और इसको अच्छे से मैं इसको पीस लूँगी। ये देखिए एक मसाला ही मेरा ही तैयार है ऑलमोस्ट, अब इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। देखिए ये हमारा जो, देखिए यहाँ पे जो हमने गोश्त रखा था गलने के लिए ऑलमोस्ट देखिए गल चुका है, अच्छे से तेल भी छोड़ चुका है, तो ऑलमोस्ट ये डन हो गया, गल गया है मतलब। अब इसके अंदर मैं लास्ट डालने वाली हूँ वो जो मसाला मैंने पीस के रखा था ना, ये सारे मसाले में मैं ऐसे ही डाल दूँगी, पूरा पूरा डाल दूँगी। और ये डालने के बाद में मैं थोड़ा डालने वाली हूँ इसके अंदर बटाटे, क्योंकि भाई बटाटा तो चाहिए, बच्चे तो बटाटे के बिना खाने वाले नहीं है, भले उनको गोश्त नहीं मिलेगा चलेगा, बट बटाटा तो उनको चाहिए ही। तो इसमें डालेंगे हम हमारे बटाटे, ये देखिए बटाटे मैंने डाल दिया इसके अंदर। और अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं 10 मिनट स्लो गैस पे इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि बटाटे मेरे गल जाए और जो मसाला मैंने डाला हो मस्त में वो भी पक जाए, और ले ज़बरदस्त उसमें जब वो पक जाता है ना उसके बाद में खाने में क्या ज़बरदस्त मज़ा आ जाती है। तो ये है हमारा एकदम मस्त कच्चे कच्चे गोश्त का कोरमा। तो ये देखिए ये
ये मस्त रेडी हो गया है, ये मस्त खुशबू भी दे रहा है और अच्छा थिक भी है, इसको हम रोटी में भी खा सकते हैं। और क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी इसमें माशाल्लाह। और ये देखिए इतनी अच्छी ग्रेवी भी बनी है, और ये देखिए बटाटे भी ऑलमोस्ट अच्छे से गल चुके हैं, और ये हो गया है रेडी हमारा मस्त वाला। अब इसको मैं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी बज रहे हैं हमारे पूरे 10:30 और जस्ट अभी आई हूँ मैं किचन पे। मैंने अपने चावल चढ़ा दी, यहाँ देखिए कुकर मैंने चढ़ा दी, चावल रख दी और नीचे सब पसारा पड़ा रखा हुआ है, सब मैं उठाने ही जा रही थी कि जाती हूँ सब सेट करती हूँ उठाती हूँ और पूरा। तो जस्ट मैं जा रही थी तो नुमैर ने बोला मम्मा जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं बोली क्या हो गया? तो देखे बोले मम्मा जल्दी आओ सायरा सत्तानी लाइव आए। मैं बोली हाँ, ऐसा मैंने काम छोड़ी मेरा, मैं यहाँ पर आई और नुमैर ने को मैंने बोली फटाफट लगा दे बेटा जल्दी ज्वाइन कर। और जब हम लोगों ने देखे तो इंस्टा पर लाइव आए वो, तो नुमैर लगाने जा रहा था तो मोबाइल में लगा रहा था वो। तो मैं भाई मोबाइल में नहीं, हम पीसी में देखेंगे। तो हमने क्या किया सायरा सत्तानी को, यहाँ देखिए हमने लगाया पीसी में। हमें थोड़ी आवाज़ यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, और देखो झूठ है ना ज़्यादा दिन नहीं दिखता। तो ये अभी यहाँ पे लाइव बात कर रहे हैं, तो ये मैं और कम करती हूँ, तो आवाज़ मैंने कम कर दिया थोड़ा से। तो अभी मैं इनको ज्वाइन करने वाली हूँ, वो जितने देर रहेंगे मैं यहाँ पे रहने वाली हूँ, खाना हम खाएंगे बाद में। और सेकेंडली मैं बोलूँगी कि आपके फैयाज़ भाई अभी आए नहीं है, वो पता नहीं कितने बजे उनको, अगर वो अभी आग भी गए ना, अगर देखेंगे ना मुझे कि अभी ये लाइव में सायरा सत्तानी के पास बैठी है, बोले कि ये औरत बोले बहुत बिजी रहती है, कभी खुद के लाइव में कभी और कभी बिग बॉस में। आज तो मैंने बिग बॉस भी मैंने चालू नहीं किया, बस चालू करने जा रही थी तो चालू करने ही जा रही थी, तो अभी आ गए। बोले अब आज बिग बॉस नहीं देखूँगी, आज बिग बॉस नहीं देखूँगी, आज सायरा सत्तानी मैम के साथ में रहूँगी और पूरी लाइव ज्वाइन करूँगी और पूरा आखिरी तक रहूँगी, छोड़ूंगी नहीं, खाना बाद में खाऊंगी। तो अभी मेरे को फ़िलहाल तो पूरी लाइव ज्वाइन लाइव देखना है वो क्या बात कर रहे। और बस मैं तो चाहती हूँ जैसे प्यारे प्यारे वीडियोस हम लोग बनाते हैं उनके लिए, और वैसे वैसी वीडियोस आए तो वो अच्छे लगते मुझे देखने के लिए। और मैं यही बोलूँगी कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड की, आपको पता है ना कल ही मैंने सायरा सत्तानी का वीडियो अपलोड की, जो वीडियोज़ पर मुझे बैड बैड कमेंट्स आ रहे थे, और आज वो खुद ही सामने आके बैठ गए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे सामने बैठे ना, मुझे लग रहा है कि ना मेरे पीसी पे नहीं बैठे, एकदम मेरे सामने बैठे ऐसा लग रहा है मेरे को, एकदम मैं सामने बैठी हूँ। लेकिन अभी वो मैसेज के थ्रू अभी सब लोग बात कर रहे थे, इंशाल्लाह मैसेज तो बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता वो रिप्लाई दे पाएंगे क्योंकि वो रिप्लाई नहीं दे रहे, सिर्फ बात कर रहे। ठीक है, हमारे सामने बैठे मेरे लिए तो वही बहुत है। इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रहेगी तो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होंगी। ऐसे तो सायरा सत्तानी हमारे घर के 10 मिनट की दूरी पर, सिर्फ 10 मिनट की, लेकिन ऐसा मैं नहीं जाऊंगी कभी मिलने के लिए। इंशाल्लाह मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि कहीं मुझे रास्ते में टकरा गए, कहीं मिल गए तो छोड़ूंगी नहीं, ज़रूर मिलूंगी, उनसे वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि वो उनकी नेचर भी ऐसी है कि वो किसी से किसी को मना नहीं करते, भले वो रील्स बनाओ शॉर्ट्स में रील्स में वो सबके साथ रहते, तो उनका नेचर भी वैसी है। तो यार मैं तो बहुत खुश हूँ आज कि वो लाइव ही आ गए, बहुत कम लाइव आते, वो जल्दी लाइव नहीं आते, बहुत कम लाइव आते, तो वो लाइव आ गए और मैं बहुत खुश हूँ। अभी मैं उनको लाइव में एंडिंग तक ज्वाइन करूँगी। आपके फैयाज़ भाई कब आते पता नहीं, मुझे नहीं मालूम आए कितने बजे आते, तो आने दो उनको, खाना रेडी है, आएंगे खाएंगे और मैं अपना सुकून से बैठूँगी। और आज बिग बॉस नहीं देखूँगी, आज मैं देखूँगी हमारी सायरा सत्तानी मैम को, उनको आखिरी तक ये ज्वाइन करके रखूँगी। अब मैं मिस नहीं करूँगी, अभी अगर आपसे ज़्यादा बात करूँगी तो वो पूरा मिस हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं ये वीडियो यहीं एंड करूँगी, ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। I'm not afraid of the dark.